हेलो गाइस, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही मजे में होंगे। माइनक्राफ्ट के एक और न्यू एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के एपिसोड में आप देख सकते हैं मैं चल रहा हूँ अपनी बोट पर एक शिप को लेकर, क्योंकि गाइस मेरे पास अभी तक शिप नहीं थी और मुझे बनाने बहुत सारे बेड्स, ताकि हमारे विलेजर्स का नंबर हमारे घर में बढ़ सके और हमारे कैसल में बहुत सारे विलेजर्स हो सके, ताकि हम आयरन फार्म को बना सकें। तो सबसे पहले मैं इस एक शिप को लेकर आया हूँ, अभी हम दूसरी शिप को भी लेकर आएंगे और काफ़ी आसानी से इन्हें हम इनके घर तक पहुँचा देंगे। इनका फार्म तो मैंने ऑलरेडी बना दिया था, पर मैं अभी तक इन्हें लेने नहीं जा पाया था क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला था। और गाइस, इस शिप को ले जाने के बाद हम लोग अभी वो पोटैटो की फार्मिंग भी करने वाले हैं। पोटैटो की फार्मिंग इसलिए ज़रूरी है ताकि विलेजर्स ब्रीडिंग कर सकें और उसके बाद उनका जो नंबर है हमारे कैसल में बढ़ सके, क्योंकि हमें बहुत सारे विलेजर्स चाहिए होंगे आयरन फार्म के लिए। तो इसीलिए हमें पोटैटो का काफ़ी बड़ा फार्म बनाना है। मुझे कुछ पोटैटोज मिल चुके थे, तो इसीलिए मैं एक बड़ा फार्म बनाऊंगा पोटैटो का, ताकि मेरे पास पोटैटोज की कमी कभी ना पड़े और हमारे विलेजर्स को आराम से मिलता रहे। और ये देखिए गाइस, कितनी चालाक है ये शिप, यहाँ पर आने के बाद अंदर नहीं आ रही कैसल के अंदर, क्योंकि शायद इसे डोर देखकर पता चल रहा है कि मैं इसे कैद कर लूंगा। खैर, फाइनली आ गई, एक बार मैंने इसे खिलाया। तो अब मैं चलता हूँ दूसरी शिप को लेने, लेकिन फिलहाल रात हो चुकी है, तो रात में सबसे पहले मैं सो जाता हूँ और सुबह उठकर हम चलेंगे। तो गाइस, हम लोग एक बार फिर से सुबह हो चुकी है और एक बार फिर से चल रहे हैं, जल्दी से मैं पहुँचता हूँ वहाँ पर। और गाइस, यहाँ पर इस आइलैंड के पास मैं बस पहुँचने ही वाला हूँ। शिप को ढूंढना पड़ेगा, एक शिप और मिल जाए और उसके बाद हमारा काम आराम से हो जाएगा तमाम। तो बोट को मैंने ले लिया है और गाइस ये देखिए, एक शिप मुझे मिल गई। मैं वाइट ढूंढ रहा था, पर कोई बात नहीं, कलर की ले चलते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कलर की शिप्स हमारे पास हो जाएंगी, पर यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत फ्लावर्स लगे हुए हैं चारों तरफ, तो इन फ्लावर्स को मैं यहाँ पर तोड़ लूँगा ताकि अपने गार्डन में अपने घर में लगा सकूँ। वेल, इससे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगता है। तो गाइस, यहाँ पर कुछ फ्लावर्स हैं, मैं सबको ले लेता हूँ और तब तक वो हमारी शिप बोट पर बैठी हुई है। और इन फ्लावर्स को लेने के बाद हम इन्हें बाद में अपने कैसल में लगा देंगे कहीं पर, जहाँ पर भी सही लगेगा। काफ़ी ज़्यादा थे इसलिए मैंने ले लिया। तो अब गाइस, हम लोग वापस अपने कैसल की तरफ चल रहे हैं और यहाँ पर जैसे ही हम लोग पहुँचेंगे, फिर इस शिप को मैं थोड़ा सा खाना खिलाऊंगा और उसके बाद हमारे कैसल में बहुत सारी शिप्स हो जाएंगी धीरे धीरे, क्योंकि ये लोग आपस में ब्रीडिंग करेंगे। और बहुत सारी जब शिप्स हो जाएंगी हमारे कैसल में, तो फिर हमें वूल की बिल्कुल भी कमी नहीं पड़ने वाली। तो गाइस, ये देखिए आप, इसे मैं लेकर आ चुका हूँ अपने कैसल के अंदर। और गाइस, हमारे पास एक और शिप हो चुकी है फाइनली। तो ये देखिए, छोटा सा शिप का क्यूट सा बच्चा, इसे भी मैं थोड़ा खाना खिला देता हूँ ताकि ये जल्दी से बड़ा हो जाए। अब इन लोगों को यहीं पर पला रहने देते हैं। मेरे पास अभी हमारे जो पिग है, इसके पास कोई दूसरा साथी नहीं, ये बेचारा अकेले बोर हो रहा होगा, तो इसके लिए भी हम कोई और पिग को भी लेकर आते हैं। यहाँ पर हर तरफ एनिमल्स हैं, पर ये एकदम लोनली फील कर रहा है। खैर, इसकी लोनलीनेस भी हम लोग जल्दी दूर कर देंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं हमारा कैसल थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, मतलब कैसल नहीं, जो विलेजर्स का हाउस था वो थोड़ा सा बड़ा हो चुका है। तो गाइस, सबसे पहले मैं शॉवल को ले आया हूँ और अब पोटैटो फार्मिंग का काम हमें जल्द से जल्द शुरू कर देना है। मैं कहाँ पर जो है अपने फार्म को बनाऊँ, कहाँ हमें जो बड़ा सा खोदना पड़ेगा इसके कैनाल बनाने के लिए, आप कह सकते हैं पानी भरने के लिए, वो एरिया कहाँ पर हम लोग माइन करें। और काफ़ी बड़ा, मतलब पूरे कैसल में बना देंगे, फिर बाद में कैसल को एक्सपेंड करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए तो बस थोड़ी सी, केवल एक लाइन में, ब्लॉक्स की एक लाइन में ही हमारे पोटैटोज लगे हुए हैं। वो चार पोटैटो थे, चार से हमने काफ़ी ज़्यादा कर लिए, पर फिर भी हमें कम लग रहा है क्योंकि पोटैटोज की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती रहती है। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ बड़ा सा फार्म बना लूँ। तो यहीं से हम यहाँ से ही अपने शॉवल से स्टार्ट करते हैं माइनिंग करना और एक ब्लॉक को पूरा का पूरा हम लोग खोद डालेंगे और यहाँ पर बहुत सारे पोटैटोज को उगाएंगे। तो गाइस, जल्दी जल्दी से बस हमें खोदते रहना है और काफ़ी ज़बरदस्त फार्मिंग हमारी होने वाली है और हमें पोटैटो की बिल्कुल भी कमी नहीं पड़ेगी। और उसके बाद हम ऑटोमेटिक आयरन फार्म बना लेंगे ताकि हम लोग नीदर पोर्टल में जा सकें, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा आयरन की ज़रूरत तो माइनक्राफ्ट में आपको बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो मैं चाहता हूँ पहले आयरन फार्म बना लूँ, उसके बाद मैं नीदर पोर्टल में जाऊँ। अभी मेरा मन नहीं है, मतलब मन क्या नहीं है, अभी इतने रिसोर्सेज नहीं है कि मैं वहाँ पर जाऊँ, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि पहले आयरन फार्म को बनाना सही रहेगा। और इसीलिए मैं अभी विलेजर्स का इंतज़ाम कर रहा हूँ ताकि ये विलेजर्स आराम से यहाँ पर सुकून से रह सकें और उनकी आबादी भी यहाँ पर बढ़ती रहे, ताकि हमें विलेजर्स की कमी ना पड़े और हमारा आयरन फार्म ज़बरदस्त हो जाए। तो ये देखिए गाइस, हमने खोद डाला है काफ़ी ज़्यादा ज़मीन और हमारा खेत एकदम तैयार होने वाला है। माइनक्राफ्ट में पोटैटो की फार्मिंग स्टार्ट ही होने वाली, पर यहाँ पर शायद मैंने कुछ मिस्टेक कर दी है क्या। नहीं नहीं, कोई मिस्टेक नहीं हुई है और इसी के चारों तरफ एक शायद एक मिस्टेक हो ही गई है, इसीलिए यहाँ पर मुझे एक लेयर अलग माइन करनी होगी। मैंने गलत लेयर माइन कर दी, तो मैं इसे सबसे पहले तोड़ देता हूँ और इसके बाद यहाँ पर बहुत सारी मिट्टी लगा देंगे हम लोग, डर्ट लगा देंगे, ताकि यहाँ पर भी पोटैटोस की फार्मिंग कर सकें। तो गाइस, अब ठीक है, अब इसके किनारे चारों तरफ हमें बहुत सारी
बाउंड्री लगानी है। बहुत सारी बाउंड्री लगाने के बाद हम लोग इसमें पानी भरेंगे और फिर इसमें बहुत सारे पोटैटोज की फार्मिंग होगी। तो गाइज अभी तो हो चुकी है रात, तो मुझे लगता है कि मुझे सो जाना चाहिए वरना ज़ॉम्बीज आकर मेरा खेल बिगाड़ने की बुरी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं सो जाता हूँ और उसके बाद गाइज हम लोग सुबह उठेंगे और फिर देखते हैं कि हमें करना क्या है आगे। तो फाइनली सुबह हो चुकी है और यहाँ पर हमारे पास क्या है, ओक की फेंस है हमारे पास और फेंस गेट है। तो जितना भी हमारे पास ये बाउंड्री है लकड़ी की, मैं इसे ले लेता हूँ। 43 हो चुकी है हमारे पास, बाकी जो कम पड़ेंगे हम लोग उन्हें और मंगा लेंगे, मतलब कि और हमारे पास। आप जानते हैं ये क्या हुआ, क्रीपर यहाँ पर कैसे आ गया? शिट, ये क्रीपर आ चुका है पर यहाँ पर कैट थी इसीलिए मेरे पास नहीं आ रहा है। जैसे ही मैं इसके पास जाऊँगा ये मेरे पास आने लगेगा, और कैट को मैंने इसीलिए आज़ाद कर दिया। तो क्रीपर इसे देख कर भाग तो जाता है, पर मैंने गेट खोल दिया, भाई तुम गेट से निकल जाओ, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता हूँ। सबसे बकवास मॉब यही है, देखने में तो काफ़ी क्यूट लगते हैं पर होते बड़े बकवास हैं। और गाइस ये देखिए आ रहा है अभी भी। अरे बेटा कैट कहाँ जा रही हो, कैट भी भाग रही। खैर फाइनली भाग गया है थोड़ा सा दूर, लेकिन अभी भी नहीं गया है, बार बार आ रहा है, मैं इसे मार ही देता हूँ। कैट के चक्कर में पड़ने का क्या फ़ायदा। ओहो हो, फटने ही वाला था पर बच गया। और गाइस ये पानी में गिर गया था पर पानी में बच गया, और मैं इसे मार रहा था पर गाइस ये वही करेगा, ब्लास्ट ब्लास्ट हो गया। शिट, ब्लास्ट होकर इसने मेरा फार्म, मतलब मेरा कैसल गड़बड़ कर दिया थोड़ा सा। मैं इसे बाद में सही करूंगा, मेरे पास अभी इसे सही करने का टाइम नहीं, अभी हमें अपना फार्म बनाना है। तो इससे कोई इतनी खास दिक्कत मुझे नहीं हो रही है, किनारे पर है तो इसे मैं बाद में सही करता रहूँगा। फिलहाल के लिए मुझे अपने फार्म को बनाना है ताकि मेरा फार्म एकदम कंप्लीट हो सके और फिर हमारे पास पोटैटोज की कमी ना पड़े। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते आयरन गोलेम ऑलरेडी हमारे कैसल में स्पॉन हो रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे विलेजर्स ऑलरेडी हैं उनको बचाने के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि आयरन लेने के लिए मैं इसे मार कर देखता हूँ, शायद ये मेरे ऊपर पलट कर वार ना करे। आई होप अगर ऐसा हुआ तब तो काफ़ी अच्छा रहेगा, वरना फिर दिक्कत हो सकती है। ओह शिट, ये क्या, ये तो कुछ ज़्यादा ही ताकतवर, मतलब इसने केवल एक बार मारा और मेरा प्लेयर ख़त्म हो गया, जबकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा आर्मर भी पहने हुए थे, आर्मर पहने हुए थे, पूरी हेल्थ थी, फिर भी एक बार में खत्म हो गई। ये पावर होती है आयरन गोलेम की। चल बेटा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मेरे ही कैसल में आकर मेरे ऊपर ही हमला कर रहा है, मेरे ही कैसल की गुलामी कर रहे हो तुम लोग, और यहाँ पर आकर मुझे मारने की कोशिश करोगे, बेटा तुम्हें तो बहुत बुरा मजा चखाऊंगा। तेरा तो गेम बचाना पड़े। और जल्दी से अपनी तलवार वगैरह ले लेते हैं, और उसके बाद गाइस इसको तो मैं आज जिंदा छोड़ने वाला नहीं हूँ, और अंदर चलकर मारेंगे। ये देखिए गाइस, तुम लोग बेटा अंदर चले जाओ, यहाँ लड़ाई होने लगी, मैं घंटी हो जाकर इन लोग को सबसे पहले विजेजेस को अंदर भेज देता हूँ। जल्दी जल्दी अंदर जाओ, यहाँ पर बहुत ही घमासान युद्ध होने वाला है। 3, 2, 1, go! आयरन गोलेम के और इसके, ओह शिट, एक बार में फिर से इसने मार दिया। यहाँ पर लड़ाई थोड़ी भयानक नहीं हुई, आयरन गोलेम तो एक तरफा वार कर रहा है। चल बेटा मैं तुझे बहुत बुरा मजा चखाऊंगा, मेरे पास एक आइडिया। आयरन गोलेम को इतना दिमाग नहीं जितना कि हमारे प्लेयर के दिमाग है। मैं सबसे पहले अपनी हथियार को निकालता हूँ, अपने सीक्रेट वेपन को, यानी कि अपनी धनुष को, और उसके बाद मैं इससे वार करूंगा। और ये देखिए गाइस, एक ही बार में इसका काम तमाम हो गया और मुझे 4 आयरन मिल चुके हैं। अब ये बेटा फिर से स्पॉन हो जाएंगे। तो फिलहाल के लिए तो हमारे पास 4 ब्लॉक्स आयरन के हो चुके हैं जो हमारे काफ़ी काम आ जाएंगे। तो गाइस सबसे पहले अब मैं इसके चारों तरफ बाउंड्री लगा देता हूँ, फेंस लगा देता हूँ, ताकि हमारा फार्म थोड़ा सेफ हो जाए और काफ़ी अच्छा लुक इसका आ जाए। तो चलिए इसकी फेंस को कंप्लीट करते हैं, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा पर जल्द ही कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों ये क्या हुआ, मेरे पास फेंस कम पड़ गई है तो मुझे फेंस बनाना होगा। खैर कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास पेड़ तो काफ़ी सारे लगे हुए हैं, क्योंकि हमने एक अपना सेपरेट गार्डन बना लिया था ताकि हमें पेड़ों को लेने के लिए दूर ना जाना पड़े। तो ये हमारा वुड का फार्म है जो कि मैंने बना ही लिया था स्टार्टिंग में। तो इस वुड के फार्म से मैं थोड़ी सी लकड़ी को इकट्ठा कर लेता हूँ ताकि हम अपनी नई फेंस बना सकें। तो गाइस ये देखिए हमने एक पेड़ को काट लिया है और यहाँ पर दूसरा पेड़ लगा देते हैं ताकि वो बाद में बड़ा हो जाए। तो ये देखिए हमने दूसरे पेड़ को भी लगा दिया और इसके चारों तरफ हम फ्लावर्स को भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे फ्लावर्स हैं मैं लेकर आया था। तो दोस्तों अब सबसे पहले मैं फेंस को बनाता हूँ और उसके बाद फिर हम अपनी फेंस को लगाने का काम शुरू करते हैं। तो ये देखिए फेंस बन चुकी है और यहाँ पर एक फेंस गेट लगा देंगे हम लोग किनारे पर, और उसके बाद हमें क्या करना है। गाइस एक गड़बड़ हो गई, शिट, मैंने गड़बड़ ये कर दी कि मैंने इस वाले जो ब्लॉक थी, इस वाली पूरी लेयर पर मैंने फेंस लगा दी, जबकि यहाँ पर भी मैं आराम से फार्मिंग कर सकता था। तो मुझे फेंस को थोड़ा और किनारे लगाना होगा, ऐसे मुझे कम ब्लॉक्स मिलेंगे फार्मिंग करने के लिए, क्योंकि एक पर तो हमारी फेंस लगी हुई है, लेकिन अगर मैं इसे साइड वाले ब्लॉक में लगाऊंगा तो भी हम आराम से फार्मिंग कर सकेंगे, इसीलिए मैं इसे तोड़ना पड़ेगा मुझे। तो चलिए इसे तोड़ते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा पर मैं इसे तोड़ ही दूंगा। तो फेंस को तोड़ने के लिए मेरे पास सामान ऑलरेडी मौजूद है कि नहीं मौजूद है,
और मैं थोड़ी सी बकेट ले लेंगे, और ताकि हम लोग अपने फार्म को स्टार्ट भी कर सकें। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा पानी डालकर यहाँ पर फार्मिंग के लायक इस ज़मीन को बना देता हूँ, और यहाँ पर पानी जब पड़ जाएगा तो हम इसके बाद इसको फेंस को तोड़ेंगे। तो गाइस पानी को मैं डालने वाला हूँ, और यहाँ पर अनलिमिटेड वाटर सोर्स है, यहीं से हम पानी ले लेकर जाकर इसमें डालेंगे। और जब इस कैनाल में, जो हमने कैनाल्स बनाई हैं, आप इन्हें जो भी कहिए, इन कैनाल्स में जब पानी का अनलिमिटेड वाटर सोर्स मैं पहले बना देता हूँ, ताकि मुझे अलग जाकर बार बार यहाँ दूर ना आना पड़े। बार बार दौड़ दौड़ कर पानी मेरा प्लेयर लेने जा रहा है बाल्टी में भर भर कर। और अब हमने इसमें अनलिमिटेड वाटर सोर्स हो गया, तो हमें दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, हम इसी कनाल से पानी को निकाल कर इसी में डालेंगे और बढ़ने लगेगा। माइनक्राफ्ट का लॉजिक अलग ही लेवल का है, पानी को आप अनलिमिटेड बढ़ा सकते हैं एक ही जगह से निकाल निकाल कर। तो खैर हमने पानी को निकाल निकाल कर अब ये काफ़ी बराबर की कनाल हमारी लगने लगी, क्योंकि इसकी लहर ऊपर नीचे हो रही थी तो मुझे बहुत ही ये बकवास लुक लग रहा था, तो इसे सबसे पहले मुझे बराबर करना है। तो गाइस अब कुछ ज़्यादा ही पानी हमने यहाँ पर डाल दिया, और अब एकदम ये बराबर हो चुकी है लेयर्स सारी की सारी। तो अब हो चुकी है रात, रात हो चुकी है तो सो जाते हैं, और सुबह उठकर हम लोग जाएंगे फिर से अपनी फार्मिंग को स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों हम लोग अभी सो चुके हैं, और अब हमारा प्लेयर सोकर उठ भी चुका है, और इसे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी क्योंकि मैंने इसे दौड़ा दौड़ा कर इसे काम करवाया, और पूरा का पूरा खेत इसने बना दिया है, इसीलिए इसका पेट एकदम खाली हो चुका है और ये काफ़ी ज़्यादा भूखा है। तो मुझे थोड़ा सा खाना चाहिए, मेरे चिकन्स ऑलरेडी मौजूद हैं, तो और एक हमें शियर भी बनानी है, तो शियर्स को हम बना लेते हैं, उसके बाद अपने प्लेयर को खाना खिलाकर हम आगे की फार्मिंग की कार्रवाई को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हमारे प्लेयर ने खाना खा लिया, अब इसका पेट भर चुका है, और अब ये मेहनत से काम करेगा, और इस बाउंड्री को इसे तोड़ना है, क्योंकि इस बाउंड्री को तोड़ने के बाद हम काफ़ी ज़्यादा एरिया में फार्मिंग कर पाएंगे। तो सबसे पहले इस बाउंड्री को तोड़ देते हैं, और ये बाउंड्री हमने पूरी की पूरी तोड़ दी है एक ही बार में, अब इसे हम बड़ा करने वाले हैं। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं हमें एक एक ब्लॉक दोनों तरफ एक्स्ट्रा मिल गए हैं, और एक एक ब्लॉक की लेयर हमें दोनों तरफ एक्स्ट्रा मिल गई, बल्कि आप कह सकते हैं चारों तरफ एक्स्ट्रा मिल गई, इसीलिए हमें काफ़ी बड़े एरिया में फार्मिंग करने का मौका मिल जाएगा, इसीलिए मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ गई। खैर उस मेहनत के बाद अब एक और मेहनत करनी है, हो से पूरी की पूरी ज़मीन को खेती के लायक बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर बहुत सारी हो को चला चला कर हम लोग इसे खेती करने के लायक बना देते हैं, और फार्म अपना तैयार करते हैं। तो गाइस ये भी अब तैयार हो चुका है, और यहाँ पर अब हम बहुत सारे पोटैटोज़ को लगाने वाले हैं। पोटैटोज़ को लगाने के बाद हमारा काम हो जाएगा कंप्लीट, और हमारा फार्म हो जाएगा कंप्लीट। लेकिन उससे पहले दोस्तों हमारे पास पोटैटो ही कम पड़ गए, तो यहाँ पर हमारी पोटैटोज़ की पूरी फसल तैयार है, यहाँ से हमें बहुत सारे पोटैटोज़ मिल जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो 32 पोटैटोज़ हमें मिल चुके हैं ऑलरेडी, और भी बहुत सारे यहाँ पर लगे हुए हैं। तो ये पूरी की पूरी लेयर को हम खोद लेते हैं, और यहाँ पर जितने भी पोटैटोज़ मिलेंगे हम इन्हें सभी को ले चलकर वहाँ पर भी लगाएंगे, और यहाँ पर भी लगा देंगे। बाद में मैं इसे सेपरेट कर दूंगा, यानी कि यहाँ पर केवल हम लोग वीट की फार्मिंग करेंगे और वहाँ पर पोटैटोज़ की। तो गाइस पोटैटोज़ को हमने पूरी तरीके से लगा दिया है, और अब हमारा फार्म आप देख सकते हैं, अभी भी हमारे पास पोटैटोज़ कम पड़ रहे थे बार बार, लेकिन कोई दिक्कत नहीं हुई। और ये हमारे पोटैटो फार्म में स्पाइडर क्या करेंगे, अभी मेरा फार्म तैयार नहीं हो रहा, तुम बेटा मेरे फार्म को ख़राब करने के लिए आ गई, तो मैं इसकी सज़ा मिलेगी, बराबर मिलेगी। तो सबसे पहले मैं अपनी शॉट को निकाल कर इसके ऊपर हमला करता हूँ, वैसे मुझे कुछ कर नहीं रही थी, पर बेटा तुम ले लो थोड़ा सा हिस्सा ले लो, तुम यहाँ पर पोटैटो फार्म में क्यों आए, मैंने इसीलिए इसके चारों तरफ बाउंड्री लगाई थी, फिर भी ये लोग यहाँ पर आ रहे थे। खैर हमने इसे मारकर इसमें बहुत सारे पोटैटोज़ को लगा दिया है, केवल एक ब्लॉक बचा रह गया है, तो इस एक ब्लॉक में मैं फ्लावर को लगा देता हूँ। दो ब्लॉक्स बचे रह गए थे, दोनों ही ब्लॉक्स में हमने गाइस फ्लावर्स को लगा दिया है, और अब वक्त आ चुका है अपने सभी जितने भी हमारे वीट फार्म है इसको थोड़ा सा बड़ा करने का, क्योंकि गाइस यहाँ पर बहुत सारी हमें वीट मिल जाएगी, उसे हम अपने शीप्स को खिलाएंगे ताकि वो शीप्स बढ़ सके हमारे फार्म में, और उसके बाद उन शीप्स से हमें मिलेगा बहुत सारा वूल, उस वूल की बनेगी बहुत सारी बेड, और उसके बाद तो आप जानते ही हमें बनाना है आयरन फार्म। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने इन शीप्स को खिला खिला कर काफ़ी ज़्यादा मोटा ताज़ा कर दिया है, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शीप्स की आबादी बढ़ चुकी है। तो मैं इनसे अब ऊन को काट लेता हूँ, वूल ले लेता हूँ, मेरे पास शीयर्स मौजूद है, तो देखते हैं क्या करना है। गाइस आप देख सकते हैं मैंने इससे ले लिया, और ये पूरी तरीके से इसकी शक्ल बिगड़ चुकी है, अब ये एकदम खाली हो चुकी है, इसके ऊपर वूल नहीं बचा। और अब इन शीप्स को भी हम लोग इनसे भी लेने वाले हैं, जितना भी वूल हमें मिलेगा उस सब वूल को हम ले लेंगे, और उसके बाद बेड बनाएंगे। तो गाइस इन शीप को भी हमने काट दिया, मतलब इनका वूल काट दिया, आप ये ना समझिएगा इनको काट दिया, और उसके बाद हम लोग अब चलेंगे। हमें काफ़ी सारे वूल मिल गए, 5 हमें वाइट वूल मिला है, और 5 मिले हैं ग्रे वूल के ब्लॉक्स। तो अब हमारे 2 कलर के बेड बन जाएंगे, लेकिन उससे पहले मुझे थोड़ी सी लकड़ी चाहिए होगी। खैर लकड़ी हमारे पास है, वुड प्लैंक्स हैं, पर इन बेड्स को रखने की जगह है कि नहीं,
बेड्स को रखने की जगह नहीं है। खैर एक बेड हमने रख लिया है गाइस, हमें थोड़ा सा और लकड़ी चाहिए होगी, तो हम इस पेड़ को काट कर यहाँ से लकड़ी ले लेते हैं और उसके बाद इसे यहाँ पर उगाना भी मजबूरी है हमारी। उगा भी दिया, अब हमारे पास आराम से ब्लॉक्स हो गए हैं, तो अब हम एक और बेड बना सकेंगे। तो गाइस हमारे पास वाइट बेड भी हो गया और थोड़ा सा वूल बचा था, उसकी मैंने कारपेट बना ली है केवल चेक करने के लिए। तो कारपेट भी बन चुकी, अब बेटा तुम आराम से लेटो, क्योंकि यहाँ पर विलेजर 7 थे पर उनके लेटने के लिए केवल 6 ही बेड थे। अब मैंने यहाँ पर 1 और 2 बेड हमने और रख दिए, तो अब टोटल 8 बेड्स हो चुके हैं। तो अब ये लोग आराम से सो सकेंगे, इन्हें दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये लोग बहुत ही ज़्यादा शाही खानदान के हैं। एक बेड पर 2 विलेजर्स नहीं सोते हैं, अगर एक सो गया फिर दूसरा पूरी रात जगेगा पर सोएगा नहीं। और हमारा प्लेयर भी इसी तरीके का है, ये लोग ज़मीन में नहीं सोएंगे, ज़िंदगी भर जगते रहेंगे, मर जाएंगे पर ये लोग सोएंगे बेड पे ही। इनका अलग ही लेवल है स्वैग का। तो दोस्तों अब ये हमारा काम हो चुका है कंप्लीट, हमारे विलेजर्स के लिए हमने काफ़ी बड़ा पोटैटो फार्म बना दिया, उनके लिए हम वूल ले आए ताकि वहाँ पर उनके लिए हमारे पास बहुत सारे बेड्स हो जाएँ। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा आयरन फार्म, आयरन फार्म हम बनाएंगे ताकि हमें अनलिमिटेड आयरन मिलता रहे, ऑटोमेटिक आयरन फार्म। और उसी के साथ आज की वीडियो को खत्म करते हैं, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हम इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले और आप उस पर फर्स्ट कमेंट कर सकें।